नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और 3 बजे के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी महाजुटान के बीच विपक्षी एकता को फिर से लालू यादव ने मजबूत बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण रखने के लिए समता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता व समाजवाद के लिए, लोकतंत्र, संविधान के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में कहा कि हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर हम में से कुछ लोगों के बीच मतभेद है, लेकिन ये मतभेद वैचारिक नहीं है। मतभेद इतने बड़े भी नहीं है कि हम आम आदमी और मध्य वर्ग, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए इन्हें अपने पीछे ना रख सके, जिनके अधिकारों को पर्दे के पीछे चुपचाप कुचला जा रहा है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली में एनडीए की भी अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसमें बिहार के हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और रालोजपा चीफ पशुपति पारस शामिल होंगे। चिराग पासवान ने कल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया था। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने वहां जुट रहे नेताओं की तुलना मेढक से कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बैठक का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मेढक को तौलना आसान नहीं है। इसके साथ जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा भी की है। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बेंगलुरु में यूपीए व विपक्षी दलों की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाओ के नाम पर जुटने वाले दलों की चाल, चरित्र और इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतांत्रिक संस्थानों को अपमानित करने की रही है। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, गर्दन बचाओ बैठक है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सच्चाई ये है कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु यूपीए घटक दलों में शामिल नेता भ्रष्टाचार के आंकड़े डूबे हुए होने के कारण अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगे, जिस वजह से इस तरीके की बैठक की जा रही है। बेंगलुरु की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में नीतीश कुमार को अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट बताया गया था। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को बेंगलुरु बुलाकर भारी बेइज्जती करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेंगलुरु जाकर खुद अपनी फजीहत करवा चुके हैं। बता दें कि इस पोस्टर में सुल्तानगंज में ध्वस्त हुए अगवानी पुल की तस्वीरें भी लगाई गई थी। इधर पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पाठक की ओर से शीर्ष अदालत में पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दायर की गई है, जिसमें उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने की बात कही गई थी। इसे पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई की रखी है। आदेश के मुताबिक अगर वे इस दिन हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब खबर खेल के मैदान से जुड़ी है, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसके बाद टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी और फिर एशिया कप 2023 खेलते हुए नजर आएगी और फिर सीधे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में उतरेगी। वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान की टीम 1 साल तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। अब खबर मौसम को लेकर है, जहां बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सुस्त होता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते राज्य में बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आने की वजह से मौसम विभाग ने ये तक कह दिया है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर घिसक सकती है। इस कारण बिहार में 23 जुलाई तक भारी बारिश के आसार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में देर से दस्तक के बाद भी धीमा पड़ा मॉनसून सक्रिय होने लगा है। इसकी वजह से बीते 2 दिनों से राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में लगातार बारिश देखी जा रही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.